सभी सिद्धि में सबसे सर्वोपरि सिद्धि है आत्म की सिद्धि। जिस व्यक्ति ने भी आत्मशक्ति को जागृत करके रख लिया, उसके लिए इस दुनिया में जीना बहुत सहज और सरल है, क्योंकि हर एक सिद्धि का मूल स्रोत जो होता है, जड़ जो होता है, वह है आत्मशक्ति। इससे व्यक्ति की हर एक सिद्धि सहज और सरल रूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे पेड़ का जो जड़ होता है, जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ उतना ही अच्छा मजबूती से टिका रहेगा। चाहे घर का भी जड़ कितना ही मजबूत रहे तो ही घर जो है अच्छे से टिका रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से व्यक्ति का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सुखाल, खुशमय, आनंद और जो चाहिए वो सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब वह व्यक्ति जो है अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके रखा है। आत्मशक्ति से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, आप समझिए। सबसे पहले तो अष्ट सिद्धि, नवनिधि, दस महाविद्या, सब चीज़ उसका गुलाम होगा। दूसरी बात, आत्मसिद्धि अर्थात शक्ति, ऐसी शक्ति जो हर एक शक्तियों के ऊपर है, जिससे आपकी कुंडलिनी जागरण हो, चाहे अनंत की ऊर्जा हो, कोई भी शक्ति हो, आपके अधीन रहता है, आपकी मर्जी से चलता है। यह होता है आत्मसिद्धि करने वाला व्यक्ति। जिसका आत्मशक्ति प्रबल है, जागृत है, वह व्यक्ति जो सोचता है वह तुरंत घटित होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा ही होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति आने वाले समय को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उसके साथ क्या घटित होगा, क्या समस्या आने वाली है, जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे दुख या तकलीफ देगा, ऐसा क्या कर्म है या फिर कोई ऐसा दोष जिसके कारण कोई समस्या प्राप्त करेगा। तो उन सब चीज़ों को पहले ही आत्मशक्ति के माध्यम से वह देख सकता है और उन समस्या को उसकी जो आत्मशक्ति है वह दूर कर देती है। मतलब उसके पास कोई भी आधी व्याधि, बीमारी या फिर कोई समस्या, यूँ समझिए किसी मामले में कोई कलह होने वाला है, नुकसान होने वाला है, या फिर किसी के साथ एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, इस माया बाजार में कोई भी समस्या होने वाला हो, तो जो उसकी आत्मशक्ति है उस घटना को पहले से ही बता देगा, सचेत कर देगा और उसे रोक देगा। तो व्यक्ति को बुरे कर्म फल या फिर बुरी चीज़ों से हमेशा के लिए सुरक्षित करता है कौन, आत्मशक्ति। और इसी की शक्ति के बल स्वरूप आप जो है हर एक, चाहे कुंडलिनी जागरण हो, चाहे देवी हो, देवता हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, आप हर चीज़ सिद्धि को, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, दस महाविद्या को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेसिक जो है जड़ मजबूत होना चाहिए। जड़ है आपका आत्मशक्ति, क्योंकि जब तक आत्मा है तभी तक शरीर है। शरीर सब तब बन जाता है जब उससे आत्मा निकल जाती है। तो जिसकी आत्मशक्ति है प्रबल, वह समझिए राजा है, सम्राट है। उसके जीवन का हर एक चीज़ जो जैसा सोचेंगे, जैसा शादी चाहता है, जैसा पति या पत्नी चाहता है, जैसा जीवन चाहता है, जितना धन चाहता है, जितना खुशी चाहता है, वह हर चीज़ उसको मिलता है। क्योंकि यहाँ हर चीज़ आपके अनुसार चलने लग जाता है, आपके बस सोचने की देरी रहती है, कल्पना करने की देरी रहती है, चीज़ें आपके अनुसार घटित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप नहीं करते उस समय, जो आपकी शक्ति जागृत है आत्मा की, वह उसे करता है। तो इसके लिए आपको कुछ नियम के अधीन चलना होगा। वह नियम है आपको पालन करने के लिए, जो सबसे पहली चीज़ है कि प्रतिदिन आपको अनिवार्य रूप से किसी न किसी तरह से एक समय निकालना होगा, तभी आप धीरे धीरे उन चीज़ों को जान पाएंगे। जब समय निकालेंगे तो समय क्या है, आपको खुद अपने लिए निकालना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट। इससे आपके अंदर जो चीज़ें हैं वह जागृत होना शुरू हो जाएगा, फिर आप चमत्कार खुद देखेंगे।